राम राम भाइयों, आज मैं थैलिया लेके आया हूँ बहुत बड़ी खुशखबरी। किन के लिए? 2013 वाले बच्चों के लिए जिन्होंने यूपी पुलिस 2013 में पेपर दिया था। दोस्तों, अब तक जिस किसी भाई ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें और कमेंट करके बताओ कैसी लगी, कैसी नहीं लगी, क्या कमी हमें ठीक करनी चाहिए। तो दोस्तों, 2013 यूपी पुलिस, उसकी बात करते हैं हम। दोस्तों, उसमें कुछ पद ऐसे हैं जिन पर अब तक का भर्ती नहीं हो पाई दोस्तों, ठीक है। उन पदों पर भर्ती करने के लिए कुछ पद ऐसे हैं जिन पर अब तक का वैकेंसी फुल नहीं हुई, और उन पदों को भर्ती करने के लिए कुछ बच्चे रह गए थे, करीब ये तो पता नहीं कितने हैं, कुछ है, कुछ बच्चे रह गए थे। तो अब यूपी पुलिस, यूपी गवर्नमेंट ने या हाईकोर्ट ने बोला है कि 15 अगस्त तक उनकी ज्वाइनिंग करवा दो, 15 अगस्त तक उनकी ज्वाइनिंग करवा दो। देखो, नंबर जितने पे लगा था मेरिट, उससे 0.5 या फिर 0.25 इतने कम नंबर पे, क्योंकि वैकेंसी कुछ कमी है, 1500 के आसपास कुछ थोड़ी है। तो यानी जब इतनी कम वैकेंसी है तो हद से हद एक नंबर घट के वैकेंसी मेरिट पे लग जाएगी। इतने पे एक नंबर और घटेगा, जितने पहले मेरिट थी एक नंबर और घटेगा, या फिर 0.5 0.25 तक घट सकता है, इतना ही बस। तो दोस्तों, जिस किसी का नंबर पड़ रहा हो वो तैयार हो जाओ, अपनी ट्रेनिंग के लिए जाने के लिए तैयार हो जाओ। उनका ज्वाइनिंग लेटर 15 अगस्त को आने वाला है उनके घर पे। बहुत बड़ी खुशखबरी है उन बच्चों के लिए जिनकी जॉब मतलब रुकी हुई थी, ये 1500 पोस्ट रुके हुए थे, ठीक है। और इसमें फायदा 2018 वालों का भी है, क्योंकि करीब 1500-2000 के बच्चे, आसपास के बच्चे जिनके अच्छे नंबर होंगे, जाहिर सी बात है, तो वे भी यूपी पुलिस 2013 में चले जाएंगे और उनकी पोस्ट खाली हो जाएगी 2018 वाली, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है दोनों पुलिस वालों के लिए, 13 वालों के लिए भी और 18 वालों के लिए भी। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।